और बदायूं हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष की गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी। आयुष के शरीर पर 14 घाव मिले हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है। अहान के शरीर पर भी तेज धार हथियार से हमला किया गया। अहान पर साजिद ने 2 बार हमला किया था। ये बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बर्बरता की गवाही दे रही है, जिस बर्बरता के साथ छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक की उम्र 6 साल थी और एक की 12 साल। सोचिए कैसे बर्बरता से हमले किए गए होंगे। तो ये बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर हम आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रख रहे हैं और इसमें क्या मुख्य बिंदु है मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए यहां पर किस तरह से सारी चीजों का विवरण किया गया है। अगर आप देखें स्कैल्प पर हमले किए गए थे, आप स्कल पर यानी कि ये जो सर का हिस्सा होता है इस पर हमले किए गए थे। इसके अलावा गर्दन की हड्डी पर घातक वार थे, गर्दन सीना पीठ हाथ या तमाम चीजों पर हमले किए गए थे और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक एक करके इसको डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हमले हुए थे। अब जरा सोचिए वो नन्ही सी 2 जाने वो कैसे इस घातक हमले के आगे टिक पाती। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस बर्बरता की गवाही दे रही है जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि कैसे वहां पर जल्लाद की तरह इन बच्चों को काट दिया गया, उस तरह से हमला किया गया था। उस तरह के अंदर ब्लेड होती है और उसके बाद उन बच्चों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि कैसे बर्बरता हत्यारों ने उन बच्चों के साथ की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर क्या वजह थी कि उनकी हत्या कर दी गई। अब आपके सामने कुछ पॉइंटर्स, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, उसका विवरण आपके सामने। आयुष और अहान ये 2 बच्चे जिनकी निर्ममता से हत्या की गई और अब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 12 साल का आयुष था जिस पर धारदार हथियार से 14 वार किए गए थे। सोचिए जरा उस तरह के अंदर ब्लेड लगी होती है, उस ब्लेड से 14 वार किए गए थे उस बच्चे के शरीर पर। गला सीना पीठ हाथ ये वो तमाम शरीर के अंग थे जिस पर हमले किए गए। ये सुनिश्चित किया हत्यारे ने कि इस बच्चे की मौत हो जाए। आयुष के गले की हड्डी तक जिस पर हमला किया गया था और उसके चलते उस बच्चे की जिंदगी को खत्म कर दिया गया। आयुष ने बचने के लिए देर तक संघर्ष किया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है। आयुष कोशिश करता रहा कि वो अपनी जान बचा ले। इसके बाद 6 साल के अहान की रिपोर्ट को जानिए। इसके शरीर पर 2 घातक वार, ये 2 वार में ही अहान ने दम तोड़ दिया। अहान के शरीर पर ताकतवर प्रहार किए गए, एक के बाद एक हमले किए गए और अहान की जिंदगी को खत्म कर दिया गया। अभिषेक राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भले ये ना बता पा रही हो कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन हत्या किस निर्ममता के साथ हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत खुलकर चीख चीख कर बता रही है। देखिए बिल्कुल, जब भी पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद ये पता चल पाता है कि किस ग्रेविटी से, किस गुस्से से, किस फीट ऑफ एंगर में ये पूरा का पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अगर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर अजीब लगेगा, क्योंकि आयुष जो कि बड़ा बेटा है उसके ऊपर 14 वार किए गए हैं और ये 14 वार जो है गर्दन के ऊपर, आंख के नीचे, कान के पीछे, चेस्ट के पीछे, कंधे के ऊपर, ऐसे तमाम जगह जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होते हैं, इसोफेगस जो कि खाने की नली होती है वो पूरी काट कर जो है वो अलग कर दी गई। इस तरीके से जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है, यानी कि एक तरीके से कहें तो जो पूरा गुस्सा है अंदर का वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हम बता पा रहे हैं कि साजिद ने उस बड़े बेटे आयुष पे निकाला था। वही छोटे बेटे अहन की बात करें तो उसके ऊपर भी 2 वार किए गए हैं जिसमें गले की जो हड्डी है, रीढ़ की जो हड्डी होती है जो पीछे से ऊपर आती है, वहां तक जो है वो चाकू के निशान पहुंचे हुए थे और उसके ऊपर भी चोट के निशान है। तो ये जो पुलिस है वो स्पेकुलेट कर रही है कि सबसे पहले जो अटैक है वो बड़े बेटे के ऊपर हुआ था क्योंकि वो छत के ऊपर जो है वो मौजूद था और छोटे बेटे को चूंकि साजिद ने चाय लाने के लिए बोला था, जब तक वो ऊपर लेकर आता चाय और पानी उस वक्त जो बड़े बेटे आयुष है उसके ऊपर वो हमला कर चुका था और जैसे ही उसने अहान को देखा उसने अहान पे अटैक किया और 2 बार जो है गले के ऊपर उसके निशान मिले। जैसे ही अहान के ऊपर अटैक हो रहा था अहान चिल्लाया और नीचे से जो मंझला बेटा था पीयूष वो ऊपर की तरफ गया और जैसे ही उसको देखा वो इसकी तरफ दौड़ा जहां ये जान बचाकर भागा और नीचे आकर पूरी कहानी बताई। तो आप पूरा सीक्वेंस को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक, ग्रेविटी ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इन बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी थी। हमला 1 वार में भी करके मारा जा सकता था, ये निर्ममता से जो हमले हुए क्या ये मानसिक दशा को बताता है कि हत्यारा किस माइंडसेट के साथ वहां पर गया था, या हो सकता है कि उसके मन के अंदर कुछ चल रहा था जिसका बदला लेने की उसने कोशिश की इन बच्चों से।
देखिए बिल्कुल, आप साजिद की मनोदशा को समझिए। अगर हत्या करना चाहता, जिस तेज धारदार हथियार से हत्या किया गया है उससे एक बार ही अगर आप अटैक करेंगे तो किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, लेकिन 14 बार लगातार अटैक करना, ये कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट को दर्शाता है। जो उसके अंदर का जहर था, जो उसके अंदर का एक घृणा थी बच्चे के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस पूरे पोस्टमार्टम के जरिए दिखता है। आप देखिए कि एब्डोमिनल कैविटी से लेकर कंधे तक जो है वो वार किए गए हैं। सब कुछ तब मुमकिन हो पाएगा, इस मामले पर सारी चीजें तब साफ हो पाएंगी जब दूसरा हत्यारा या हत्यारे के साथ वाला व्यक्ति जो है वो पकड़ा जाए, जिसका नाम जावेद है। इस पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते अपने दर्शकों को। फरार जावेद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 40 घंटे के बाद बदायूं हत्याकांड पर अब तक आरोपी जावेद फरार है। 5 टीमें पुलिस की इसकी तलाश कर रही, पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जावेद अभी तक फरार है। 5 टीमें लगातार जद्दोजहद कर रही है इस जावेद तक पहुंचने के लिए। साजिद के पिता और चाचा को पहले ही पुलिस की टीम हिरासत में ले चुकी है, लेकिन जावेद का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अगर ये पकड़ा जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि क्यों हत्या हुई। सारे राज के राजदार जावेद को पुलिस सरगर्मी से ढूंढ रही है, कहां जा सकता है। हर संभावित जगह पर पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बदायूं मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। मजिस्ट्रेट से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। बदायूं के सिटी मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट हम आपको इस खबर पर बता रहे हैं। एसएसपी बदायूं के द्वारा अनुरोध किया गया था, तो मानवाधिकार आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके तहत उन्होंने ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराने का अनुरोध हमसे किया था। कल हमने इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य हैं उनको इन्वाइट करेंगे और उसके आधार पर उनका निष्कर्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। अभिषेक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे। अभिषेक, जावेद बहुत बड़ी कड़ी हो सकता है इस पूरे मामले में, जो बता पाए कि आखिर ये मर्डर क्यों किया गया। जावेद तक पहुंचने के लिए पुलिस क्या कर रही है और मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश दिए गए हैं, मजिस्ट्रियल जांच जो होगी इससे इस मामले में किस तरह की चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। देखिए बिल्कुल, इस पूरे एपिसोड के जो मेन एपिसेंटर हैं वो दो लोग हैं, साजिद और जावेद, जिनको पता था कि आखिर इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया। साजिद एनकाउंटर में मारा गया पुलिसिया मुठभेड़ में जिस दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जावेद उस दिन फरार हो गया था। पिछले 36 से 40 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब तक जावेद का कोई अता पता नहीं है। जावेद की धरपकड़ के लिए लगातार जो टीमें हैं पुलिस की वो काम कर रही है। 5 टीमें बनाई गई हैं, एसओजी की टीम बनाई गई है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है यूपी पुलिस का, जो इस तरीके से जो टेररिस्ट अपराधी होते हैं उनको पकड़ती है। ऐसे में एसओजी की टीम लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर छापेमारी कर रही है। वो तमाम जगहें जहां पर जावेद छिपा हो सकता है, वो तमाम लोकेशंस जहां पर जावेद जा सकता है, उन तमाम जगहों पे तस्दीक की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, छापेमारी चल रही है। साजिद और जावेद के पिता और चाचा जिनसे वो बेहद करीब था उनको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। उम्मीद की जाए, 40 घंटे भले हो चुके हों लेकिन जल्द वो वक्त भी होगा जब जावेद सलाखों के पीछे होगा तो इस मामले को लेकर जितने सवाल उनके जवाब मिल पाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं डबल मर्डर मामले में ये बड़ी खबर है, जहां आयुष और अहान के माता पिता की मांग, एनकाउंटर नहीं जावेद को पकड़ा जाए। ये आयुष और अहान के माता पिता मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता तो चले कि बच्चों को आखिर बेरहमी से क्यों मारा, हमारे बच्चों की हत्या की सच्चाई सामने आनी चाहिए। मृतक बच्चों के माता पिता जब टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव जुड़े तो उन्होंने ये सारी बातें कही। अंदाजा लगाइए किसी माता पिता की मनोस्थिति जिन उसने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया हो और वो चाहते हैं कि उन्हें इस मामले में इंसाफ मिले, और इंसाफ तब मिलेगा जब जावेद इस मामले की सच्चाई बताएगा। सुनाते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं। तो आपको बताएंगे बच्चों के परिजन क्या कह रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आप जानिए सीएम योगी आदित्यनाथ से। बच्चों के परिजनों ने गुहार लगाई है, सीएम योगी आदित्यनाथ से जांच की गुहार लगा रहे हैं परिजन, इस मामले में जांच हो और सच्चाई सामने आए। मुख्यमंत्री से जांच की गुहार लगाई गई है। अब आपको सुनाते हैं इस पर जो रिएक्शन सामने आ रहा है। अब वो बताया किस किस शक पर उसने काम किया है, जब पकड़ा जाए उसे बयान सुनी जाए उसके तब पता चलेगा। मुझे तो हम ऐसे कैसे कहते हैं किसने मतलब उसको क्या किया है, इसी को हम तो सरकार से यही प्रार्थना है
कि उसको पकड़ गिरफ्तारी हो उसकी और हमारी जांच उसे बैठा ली जाए कि हम किस कारण ये काम हुआ है। इनकाउंटर बाद में चाहेंगे, पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करी है कि ये समस्या क्यों खड़ी है, इसका कारण क्या है कि हमारे बच्चे क्यों मारे गए। भाई तो जब तक इनकाउंटर कर दिया है फिर पता ही चलेगा कुछ, मेन तो पकड़ा जाए, वो पकड़ने के बाद पूरा कहानी उससे पता चली जाए कि यहाँ क्या सिस्टम है उसका, कि किससे जुड़ा हुआ है, किसने ये काम करवाया है। वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है, पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक दुश्मनी थी, अरे तुझे 5,000 रुपए मिल गए थे तेरी परेशानी वजह से कि तेरी बचत, इसमें भी झूठ बोला। देखिए हम इस वक्त बदायूं के उस घर में मौजूद हैं जहां 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई है और हम उन बच्चों की दादी से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। एक बार फिर से वही तस्वीर वो जब याद करती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। उनसे खुद हम उनकी कहानी सुन रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। कभी नहीं छोड़ा अरे मेरे बेटा का लेकर देखो, मेरे बच्चे का, मेरे आयुष का लेकर देखो, कितना मोटा था जी मेरा बेटा, अरे मेरे लाला, अरे मेरे अरे मैं यही पूछती थी उसे मारा बेकार, उसे पूछती नहीं कि परिवार की कोई दुश्मनी है, कोई गलती है किसी के साथ, जिसे मुझे तो पता चलता मेरी तो राय में कोई गलती किसी से दुश्मनी नहीं थी। आप अंदर थी, आप बता रही हैं कि साजिद जब दोनों पोते का कत्ल करके नीचे आ रहा था तब आपको ये आवाज सुनाई दी, आपको पता चला पीयूष जब हल्ला कर रहा था। हाँ पीयूष जब आया तब मुझे पता चला। पीयूष क्या कह रहा था, क्या कह, पीयूष चिल्ला के भागा ऊपर। और बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ी है सबसे बड़ी खबर, आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने घोषित किया था और अगर श्वेता तक आवाज पहुंच रही है तो श्वेता से जरूर बात करेंगे और उन परिवार वालों से भी बात करेंगे जो अभी गुहार लगा रहे थे कि जावेद की गिरफ्तारी हो। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जानिए, बदायूं डबल मर्डर केस से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट, आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्वेता हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, श्वेता शोकाकुल परिवार के लोगों से बातचीत कर रही है। श्वेता ये खबर बताइए, एनकाउंटर में जो साजिद मारा गया था उसका साथी जावेद अब गिरफ्तार कर लिया गया। अनुराग मैं बिल्कुल ये जानकारी मैं इनकी दादी को दूंगी कि जी जी जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग जावेद की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या क्या मांग करेंगे? मेरी यही मांग है उससे पूछ के हमारे सामने लाया जाए, उससे ये पूछा जाए कि इनकी गलती क्या थी, मेरे मासूमों की क्या गलती थी, इसे क्यों मारा, तूने हमसे 5,000 रुपए मांगे, तेरी मदद की इसके लिए थोड़ी की, मेरे बच्चों को ही मेरी सब्जी। जावेद भी अंदर आया था उस दिन, हमें ना पता, नहीं भागा साजिद जावेद के साथ था, एक बाहर खड़ा था बाइक से, एक अंदर आया था जो जिसने कत्ल किया वो अंदर आया, अब वो बाइक से खड़ा था बाहर, जब शोर मचा ये काम हो गया तभी वो भाग गया। अब जावेद पकड़ा गया, अब आप क्या चाहेंगे, क्या हम जो चाहेंगे उसे सामने लाया जाए हमारे। ठीक है, सामने जो पूछा, मैं श्वेता आपका रुख एक बार फिर से करूंगा, बहुत बड़ा अपडेट अभिषेक, जावेद पकड़ा गया है 51 किलोमीटर दूर जावेद बरेली से पकड़ा गया, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो जावेद है उसका लोकेशन जो है वो ट्रेस हो चुका है, बताया जा रहा है बरेली के अंदर, और जो पुलिस की टीम है उसने जावेद को कहीं ना कहीं जो है वो डिटेन किया है, ये खबर आ रही है। अभी ये पता चला है कि बरेली के अंदर से जो जावेद है उसको जो है वो देखा गया है और वहीं पे पुलिस की टीम पहुंची थी और उसके बाद जावेद को जो है वो पकड़े जाने की बात सामने आ रही है। अभी और भी जो डिटेल है वो आने वाले कुछ समय में सामने आएगी। अभी जब हमने बात की थी एसएसपी से तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 5 टीमें जो है वो जावेद की धरपकड़ के लिए लगाई गई है जिसमें एसओजी की टीम शामिल थी। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे थे, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जल्द ही जावेद की जो गिरफ्तारी है वो हो सकती है। वही यहां पे देखने को मिल रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो पुलिस है वो बरेली
उसी के अंदर जो है वो जावेद के पकड़े जाने की बात निकल के सामने आ रही है। अभी कुछ देर में चीजें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ हो जाएंगी और अगर जो जावेद सच उगलता है तो फिर इस पूरे कहानी की जो मोटिव है, जो पूरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे का, वो निकल के सामने आएगा। फिर जावेद बताएगा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी कि साजिद ने इस तरीके से दो छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी। तो अभी जो है पूरे तरीके से पुलिस अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है, पूरे तरीके से पुलिस जांच कर रही है। जावेद के पिता भी पुलिस के पास है, चाचा भी पुलिस के पास है, ऐसे में उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ठीक है, अब अभिषेक मैं आपका रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर, बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। बदायूं में हत्याकांड की वारदात को अंजाम देकर 51 किलोमीटर दूर जाकर यह बैठा था और खबर यह है कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका दूसरा साथी एनकाउंटर में हत्या वाली रात ही ढेर कर दिया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यह था कि यह हत्या क्यों हुई, क्योंकि कई सारे राज तो साजिद के साथ चले गए और दूसरा राजदार जावेद जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। और अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो सारी सच्चाई सामने आएगी कि आखिर उसने इन दो मासूम बच्चों को बेरहमी से क्यों मारा। अभिषेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, परिवार के लोग जब टाइम्स नाम नवबारह से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि हम एनकाउंटर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जावेद गिरफ्तार हो और उसकी गिरफ्तारी सारे राज को बेपर्दा कर देगी। और अब आखिरकार जावेद गिरफ्तार हो गया है। अभिषेक, देखिए बिल्कुल, जावेद एक ऐसी कड़ी है इस पूरे मामले में जिसको सब कुछ पता है। आप समझिए कि साजिद और जावेद दो ऐसे शख्स हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। परिवार के आरोपों के अनुसार साजिद जब ऊपर गया था घर में कत्ल करने के इरादे से तो जावेद नीचे मौजूद था। ऐसे में जावेद को पता था कि साजिद क्या प्लानिंग कर रहा है, साजिद के पास क्या चीजें हैं। जावेद का स्टेट और जावेद की जो पकड़ है वो इस पूरे मामले में आप समझिए कि तुरुक का इक्का निकल के सामने आएगा। परिवार भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हमारे मासूम बच्चों से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी हमारे बच्चों से कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। भैया और चाचा कहकर पुकारते थे जावेद और साजिद को ये दोनों बच्चे। सामने दुकान थी, उसी दुकान पर जाकर सैलून में बाल कटवाते थे। ऐसे में वो क्या परिस्थिति आ गई थी, क्या चीजें बदल गई थी, ऐसी क्या नफरत की भावना आ गई थी कि जावेद जो है वो नीचे खड़ा था और साजिद ऊपर जाकर दोनों बच्चों की हत्या कर देता है। परिवार वाले इसी बात को जानने के लिए काफी बेचैन हैं और जावेद इस पूरे एपिसोड में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। देखना होगा कि आखिर जो मोटिव, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं इस पूरे केस में, वो क्या निकल के सामने आता है और जावेद जो है वो क्या कुछ बड़े खुलासा करता है। लेकिन आज का दिन इस पूरे केस के लिए काफी अहम है, काफी बड़े खुलासे इस पूरे केस में आज हो सकते हैं। जी जी, अब मैं बहुत जल्दी से श्वेता का रुख कर लेता हूं। श्वेता चोकाकुल परिवार के साथ मौजूद है। मैं श्वेता का रुख करूं, नवभारत पर आरोपी जावेद का कबूलनामा सामने आ रहा है। नवभारत पर आरोपी जावेद का कबूलनामा हम आपको बताएंगे। क्या कह रहा है जावेद, पूरा देश सुनना चाहता है, क्यों मारा भाई छोटे बच्चों। अब ये सुनिए आपकी क्या कह रहा है। वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। तो ये आप आरोपी जावेद को सुन रहे हैं, ये बता रहा है कि वो दिल्ली आया था, दिल्ली से चला गया बरेली और वहां जाकर इसने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी बहुत सारे राज हैं जो बेपर्दा होना बाकी हैं। सबसे पहले मोटिव क्या था, क्यों मारा छोटे बच्चों को, इतनी निर्ममता से मारने के पीछे की वजह क्या है, ये शायद सब कुछ बता दे। इसे इन्वेस्टिगेट लगातार किया जा रहा है पुलिस की, जब जांच आगे बढ़ेगी हो सकता है ये सारी जानकारियां दे। लेकिन टाइम्स नाम नव भारत पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो कबूलनामा जिसमें जावेद ने पकड़े जाने के बाद, या यूं कहिए कि उसकी भाषा में सरेंडर होने के बाद जो जानकारियां, ऐसा क्यों, ये देखिए अपनी आईडी भी दिखा रही है। ये जावेद के पकड़े जाने के बाद के सबसे ताजा सबसे पहले विजुअल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। फर्स्ट ऑन टाइम्स नाम नव भारत आप देख रहे हैं। बरेली से आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया गया। से आया बदायूं के लिए, आरोपी जावेद बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा, मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी। श्वेता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। ये जो शुरुआती तौर पर जावेद कह रहा था वो हमने आपको सुनाया और इसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसको भी बाद में लोगों से पता चला कि उसने
उसके भाई ने ये सब किया है। श्वेता मैं आपका रुख करता हूं, श्वेता परिवार के साथ मौजूद हैं, जावेद का गिरफ्तार होना क्या परिवार के न्याय की उम्मीद को और बढ़ा देता है क्या, क्योंकि परिवार भी कह रहा था एनकाउंटर मत कीजिए, उसे पकड़िए ताकि वो बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल अनुराग, अभी हम बच्चों की दादी से बात कर रहे थे और यकीन मानिए रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां इस निर्मम हत्या कांड को अंजाम दिया गया है और दादी यही कह रही कि हम वजह जानना चाहते हैं, आखिर दो बच्चों की इतनी निर्मम तरीके से कोई हत्या कैसे कर सकता है। वो चाह रही है उसका एनकाउंटर ना हो, उसे पहले सामने लाया जाए, वजह तो पता चले। दो बच्चों की हत्या कर दी जाती है, वो दो बच्चे जो चाचा कह के उसी दुकान में जाकर उसी सलून में जाकर बाल कटवाते थे और ये वही जगह है। अनुराग अब समझिए, हमने दिखाया कि दादी कितनी सुबह से ही रो रही है, बुरा हाल है, पिता भी विनोद इस वक्त घर में मौजूद है, लेकिन ये वही रास्ता है। एक बार मैं कहूंगी कैमरा पर्सन से जरा दिखाइए, ये वही वो गेट आप देख पाएंगे अनुराग जहां से साजिद ने एंट्री की थी और बताया जा रहा है कि जावेद बाइक लगाकर बाहर मौजूद था और यहां से एंटर करने के बाद इसी जगह पर आकर यहां ये वो दरवाजा जहां से दोनों बच्चों की मां अंदर चली गई थी और यहां पर उसने भाभी कहकर संबोधित करते हुए कहा था कि भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पांच बच्चे, बताया जा रहा है साजिद के पांच बच्चे हुए थे लेकिन होने के साथ ही उनकी मौत हो गई थी, छठा बच्चा होने वाला है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और वो एडमिट है इस वक्त अस्पताल में, मुझे 5,000 की जरूरत है। वो अंदर चली गई आयुष और अहान की मां और वहां पर वो अपने पति से बात करने लगी कि पैसे देने हैं नहीं देने। इस बीच ऊपर में जो पार्लर है जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां आपको लिए चलते हैं। ये देखिए ये वही रास्ता है जहां से आयुष को लेकर वो ऊपर गया कि चलो तुम अपना पार्लर दिखा दो। दादी तो यहां तक कह रही थी कि उसके पास चाकू और शराब की बोतल भी थी, अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता लेकिन फिलहाल उनकी दादी तो यही कह रही थी कि वो इसी रास्ते आया। आप जहां जहां देखेंगे अनुराग यहां देखिए हाथ ब्लड के निशान आपको नजर आएंगे, ये साजिद जिसके हाथ खून से सने हुए थे चाकू लेकर, एक बड़ा सा चाकू लेकर वो उतर रहा था तब ये खून के निशान पूरी सीढ़ी पर आपको नजर आएंगे। और यकीन मानिए हालात ऐसे हैं जब आप यहां पर देखेंगे अभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो पार्लर जहां वो पार्लर देखने के बहाने आयुष को लेकर आया था और उसके बाद वहां आहान को उसने बोला कि वो पानी लेकर आए और ये ऊपर में जहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप समझिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या मानसिकता उसकी रही होगी, वो सोच कर आया था। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा ये भी दिखाइए, यहां पर साइकिल एक पड़ा हुआ है जिसका जिक्र कर दादी कह रही थी कि ये साइकिल अहान उस दिन चला रहा था यहां, क्योंकि पार्लर का एरिया है और ये एरिया बड़ा है। अहान ये देखिए एक जीप जो रखी हुई है वो जीप अहान चला रहा था और अहान को कहा गया कि वो पानी की बोतल ले आए। और दादी जब बातें कह रही थी अनुराग तो वाकई में सुन के रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे कि छोटा सा 7 साल का बच्चा जिसकी गाड़ी नई नई आई है वो इस गाड़ी को चला रहा था इस स्पेस में और उससे कहा जाता है पानी लेकर आए, वो चाचा चाचा कहकर नीचे चला जाता है पानी लाने के लिए, उसे क्या पता था कि ये हैवान उसकी थोड़ी देर में हत्या करने वाला है। और इसी सीढ़ी के माध्यम से वो ऊपर जाता है आयुष को लेकर, पहले उसने आयुष पे चाकू से वार किया। हैरानी की बात यह है कि उसने जरूर बच्चे का मुंह दबाया होगा, आयुष ने अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर की अनुराग यहां पर, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाया, कई वार उसके ऊपर किए गए यहां हर तरफ। श्वेता लेकिन ये जो आप घटनाक्रम बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये भी बताइए वहां के लोगों से बातचीत करके कि साजिद तो छत पर आया, उसने वारदात को अंजाम दिया, जावेद क्या कर रहा था, क्योंकि जावेद का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो पकड़ा जा चुका है और जब वो पकड़ा जा चुका है तो